हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले वीडियो में धारा 19 निहित हित के बारे में बताया था, आज हम आपको समिश्रित हित कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। जैसा हमने बताया था कि निहित हित में समय कन्फर्म नहीं होता। अब समिश्रित हित क्या होता है? कि समिश्रित का मतलब होता है कि जहाँ किसी संपत्ति के ट्रांसफ़र से उस संपत्ति से किसी व्यक्ति के पक्ष के हित में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा न होने पर प्रभावी होने का सृष्ट किया गया, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति में समिश्रित हित अर्जित करते। ठीक, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो समिश्रित हित समिश्रित तब होगा जबकि वह घटना जिसके घटित होने पर हित मिलना है घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं। जैसे बा को संपत्ति मिलेगी यदि वह 3 साल के भीतर सा से शादी कर ले, तो बा को जो हित मिलेगा वो समिश्रित हित होगा, लेकिन शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, अब देखिए निहित हित और समिश्रित हित दोनों में संपत्ति का अंतरण योग्य है, परंतु उत्तराधिकार की जो संभावना होती है वो निहित हित में होती है लेकिन समिश्रित हित में उत्तराधिकारियों को नहीं मिलता। जो समिश्रित हित होता है उसमें संपत्ति का अंतरण जो होता है वो उत्तराधिकारियों को नहीं मिलता। ठीक, अब समिश्रित हित के कुछ पावर पॉइंट्स हैं क्या कि संपत्ति अंतरण से होगी, उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के हित ऐसा हित सजित हो जो घटना घटित हो जाए या ना घटित हो लेकिन प्रभावी होने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया हो। अगर ये घटना घटित होती है या नहीं होती है लेकिन संपत्ति अंतरण होगी ये प्रभावी रूप से लिखा गया हो, ऐसी स्थिति में अर्जित हित समिश्रित हित कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो भी हित जो भी ट्रांसफर अंतरण होती है उसको समिश्रित हित बोला जाता है। अच्छा, समिश्रित हित नहीं होगा उसकी कुछ कंडीशन है, विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर किसी का हक मिलना हो, एक विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर जब तक उस संपत्ति के उद्भूत आय आत्यंतिक रूप से आंशिक रूप से जिसके लिए आवश्यक है उसके फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए, ये चीज समिश्रित हित नहीं होगी। अब देखिए समिश्रित हित के प्रकार हैं, एक है स्वीकारात्मक समिश्रित पॉजिटिव कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट टू टेक इफेक्ट ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ, जैसे आ को मकान का अंतरण उसके जीवन भर के लिए किया गया, उसके बाद मकान बा को पूर्णतः इस शर्त पर दिया गया यदि बा वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करे। बा को यह मकान कब दिया जाएगा? जब वो वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करता है। पूर्ववर्ती शर्त परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाना है, बा का हित इस शर्त पर पूर्णता आश्रित है इसलिए बा को प्राप्त हित आश्रित हित कहलाता है। यदि बा परीक्षा की प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है तो शर्त पूरी मानी जाएगी, आश्रित हित स्वतः बा के लिए निहित हो जाएगा, लेकिन अगर वो परीक्षा में असफल रहे तो शर्त कॉन्टिजेंसी नहीं पूरी होती, मतलब समिश्रित पूरी नहीं होती और बा को इस शर्त की पूर्णता पर आश्रित हित भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार के अंतरण आश्रित हित के अंतरण कहे जाते हैं। ये एक आश्रित हित है कि वह उस पर आश्रित है कि अगर ये शर्त पूरी होती है तो ये संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी अन्यथा नहीं की जाएगी। फिर इसमें है नकारात्मक समिश्रित हित नेगेटिव कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, जैसे आ एक भूखंड इस शर्त पर अंतरित किया गया है कि वह 3 वर्ष तक विदेश नहीं जाएगा। आ को एक मकान इसलिए अंतरण किया गया है कि वह 3 वर्ष तक विदेश नहीं जाएगा। आ का हित उसके विदेश गमन की शर्त पर आश्रित है, अगर वो नहीं जाएगा तो आ के पास मकान रहेगा।
यदि आ विदेश 3 वर्ष तक नहीं जाता है तो शर्त पूर्ण होगी और आ का हित निहित हित माना जाएगा। यदि आ विदेश जाकर शर्त भंग कर देता तो उसे दिया गया हित शून्य व अपरिवर्तनीय हो जाएगा। ठीक। अब समस्त हित की विशेषता, समस्त हित अंतरणीय संपत्ति है, कंडीशनल प्रेसिडेंट है, अनिश्चित घटना है। सजित हित अनिश्चित घटना पर एकमात्र पूर्ण रूप से आश्रित होना चाहिए। निश्चित उम्र पर लाभ तब तक, धारा 21 का पैरा 1 में दिया गया, आश्रित हित के निम्न, आश्रित हित के निम्नलिखित उदाहरण है जैसे बाद सात तथा दा यदि 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पूर्व ही मर जाएंगे तो संपत्ति या को मिलेगी। आ का हित तब तक आश्रित हित ही रहेगा जब तक उपयुक्त बादशाह की मृत्यु 18 वर्ष के पहले नहीं हो गई है। उनमें किसी के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर आ का हित शून्य हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा समिश्रित हित और के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में हम समिश्रित हित और निहित हित के बारे में आपको अंतर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए। थैंक यू।